हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे और गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की गुड आफ्टरनून मेरे बाबू से शुरू हो रही है। जय जय कर दो, जय जय। और देवू के दांत कहाँ? दांत नहीं है, दांत। अच्छा, सॉरी बोल दो सबसे, सॉरी बोल दो। हाँ, वो पिट्टू है, सॉरी बोल दो, सॉरी सॉरी बोल दो। और देखिए इसका ये कैसा नीला पड़ा हुआ है इतनी जगह से। चलो अच्छा, बाय बाय कर दो सबसे, बाय बाय। देखिए कैसे बाबू का नीला है, और उसको मैं मन बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं अपने हस्बैंड के यहाँ पे आज सेविंग बना रही हूँ। और मतलब मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, मैं नहीं बनाऊँगा। मतलब उनका अब ये मन चीज करने का नहीं करता, पर मैं उनको अच्छे से रेडी होके रख बोली। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं बनाओगे, पर मैं बनाऊँगी। और क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है, मतलब मैं उनके सारे काम करती हूँ, क्योंकि एक पति पति का पत्नी धर्म निभाना चाहिए, और तो मैं निभा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं कपड़े बगराने के लिए आई थी। काम तो कर लिया, मतलब काम तो क्या, काम करने में मन तो नहीं हो रहा था। और अभी मुझे तो अभी मैं थोड़ा सा दुकान जाऊंगी और की सामान लेने थोड़ा सा, और आज जाऊंगी तो आपको भी बताऊंगी, और कि मैं मतलब कितनी कहाँ जाती हूँ, कैसे उधर लेके आती हूँ। मैं सारे घर के भी काम करती हूँ, मुझे बाहर के भी काम करने होते हैं, दवाइयाँ लेने जो भी काम है। और हिम्मत है तभी तो हूँ, और मैं यूँ ही उनके साथ खड़ी हूँ हमेशा। और मतलब पर वो बोलते हैं कि नहीं करो मेरे लिए इतना, मतलब जितना मैं उनके लिए करती हूँ सेवा, मतलब तेल लगाना पैरों मुँह चाहे कुछ भी, मतलब जो भी परहेज का खाना होता है, जो मैं उनके लिए परहेज का खाना बनाती हूँ वही मैं खाती हूँ। तो बोलते हैं कि तुम अच्छा खा लिया करो, पर आप बताइए क्या हम अच्छा खाना दिया इस स्थिति में। और मैं यहाँ पे अपनी चिड़ियों को पानी डाल रही हूँ, जो कि वो सुबह शाम आके पीती हैं चिड़ियाँ। और शायद मैं ना नीचे जाती हूँ, गायों को पानी देती हूँ, और शायद लोगों को ये सीखने को मिले मुझसे कि कैसे अपने में पति के साथ खड़ी हूँ। तो ये देखिए, मैं आटा मतलब लेके आई थी, और मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि जब मैं मतलब लेके आऊँ सामान तो आप थोड़ा सा वीडियो बना लेना, मतलब क्योंकि बाहर का तो बना नहीं सकती। अब बताइए, दो हाथ मेरे बिजी हैं तो मैं कहाँ से वीडियो बनाती, और तो अंदर बाहर का दोनों का ही मुझे करना पड़ता है सारा काम। और फिर मैं आई थी, फिर मैंने ये सैनिटाइज़र किया, मतलब अपने हाथों को और ये सारे सामान को कर दूंगी। और फिर उसके बाद मतलब कि मैं धूप में ही रखे रहने दूंगी सारा सामान। और तो देखिए मैंने इनकी सेविंग बना दी है, और कैसी बनी है बताओ। और मतलब कि मैं बोल रही थी आज थोड़े अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब मैंने इनको बोला कि तुम भी तैयार होके रहा करो, और थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो और तो मैंने इनको बोला कि मैं आज बनाऊंगी, अपने आप से तो बना नहीं रहे थे। और ये हमारे बाहर का एरिया है, और कुछ गमले रखे हुए हैं और कुछ कपड़े हैं। और मैं यहाँ पे शाम का टाइम था तो झाड़ू लगा रही थी, और हमारा बाबू अंदर थे। Thank you.
अगर कपालभाति करते हैं, मतलब सिर्फ हफ्ते में दो दिन नहीं करते हैं, जिस दिन इनका डायलिसिस होता है या जिस दिन इनको कमजोरी लगती है, बाकी वो रोज करते हैं, सुबह शाम करते हैं। और देखिए उनकी ये नस कितनी ज़्यादा वो दिख रही है। तो बस यही घबराने वाली बात है और यही हमें रोज का डर लगा रहता है। तो उम्मीद है आप समझेंगे हमें। तो आपको तो सारी चीज़ें पता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो सारा दिन बाबू ने भी परेशान किया और मेरे हस्बैंड को तो पता ही कितना सेवा करना होता है, तो बाबू यूँ परेशान किया। ऐसे तो ठीक है, पर उसको लग गया था ना, तो बार बार उसका ध्यान वहीं जा रहा था कि ऐसे, मतलब फिर भी मैं उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी। आज सारा दिन उसने रोया है और वो सोया बहुत कम है, मतलब परेशानी एक के ऊपर एक आई है। और मेरी यहाँ रोटियाँ बन गई थी और जो ये सुबह के बर्तन थे मैं वो जमा रही हूँ। तो बस थोड़ा सा ना दिमाग यूँ ही अपसेट हो गया क्योंकि बाबू को अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि बाबू का बचपन भी दोबारा लौट के नहीं आएगा। और पति की सेवा ही बहुत करती हूँ मैं और आपको दिखता होगा मेरी। तो मेरे हस्बैंड खाना खा रहे, मैंने उनको दे दिया था और वो उनको मैं 7 बजे खाना करीब दे देती हूँ क्योंकि गोलियों का टाइम रहता है और मैं टाइम टेबल मुझे देखना होता है। और यहाँ हमारे बाबू उधम कर रहे हैं, तो देखिए। और ये मेरे आज हस्बैंड ना मेरे लिए काट रहे हैं सलाद, सलाद काट रहे हैं मेरे लिए। और आज हम इसके साथ रोटी खाएंगे और ये सिर्फ मेरे लिए है। सब्जी लेने गई थी ना तो एक ककड़ी लेके आई थी क्योंकि मतलब बहुत दिन से कुछ चटपटा खाना नहीं खाया और मैं अपने लिए अकेले बनाती नहीं हूँ कुछ ऐसा, और तो आज ये खाने का मन किया। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, मैं ही खाऊंगी। और इनने मेरे लिए कहा कि मैं आज काटूंगा। और ये बारीक बारीक सलाद ना मुझसे नहीं आती है और मेरी ख्याल से ना कि इसको ठेसा भी बोला जाता है जो इस बारीक सलाद को काट लो। और आपको ही मैं बता रही हूँ इस तरीके से काटना है। तो जैसे मेरे हस्बैंड काट रहे हैं और इस तरीके से काटना है और इन सब चीज़ों को मिला लेंगे हम। और इसके साथ आप 2 की जगह ना 4 रोटियां खाएंगे और जब पूरा तैयार हो जाएगा तब मैं आपको मसाला दिखाऊंगी आगे। और बाबू बाबू को अभी हमने हल्दी और वो लगाया था, अभी फिर हम लगाएंगे। देखा उधर बाबू, देखिए ये निशान पड़ गया काला काला, अभी हम डॉक्टर के यहाँ नहीं गए। तो देखिए मेरे हस्बैंड कैसे काट रहे हैं, ये देखिए कितनी बारीक ककड़ी कटी हुई है। ये देखिए ककड़ी और प्याज कट गई है और ये कट रहे हैं टमाटर छोटे छोटे। तो देखिए मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर से कलर वाली मिर्ची डाल देती हूँ। और तो ये हमारा बन गया और इस पे आपको चाहे तो आप इसको अच्छा नींबू डाल सकते हैं। और अभी मैं इसको नमक नहीं डालूंगी क्योंकि नमक डालूंगी तभी वो हो जाएगा। मेरे हस्बैंड खाना खा के आराम करने वाले थे तो तभी मैंने तुमने बोला कि लाओ हम काट देते हैं। तो देखिए ये मेरी थाली लग गई है और मैं इसमें ऊपर से नमक डाल लूंगी। तो ये हमारा बन गया इस ठेसा और इसके साथ आप खाना खाइएगा और चावल। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये ठेसा रेसिपी कैसी है जो मराठी में फेमस है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।